नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स के बारे में। जो इम्पल्स होता है और जो इम्पल्सिव फोर्स होती है वो होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स जो है इसको हम बताते हैं दो चीज़ों का प्रोडक्ट, या कहें कि हम मैथमेटिकली जो इसको लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, एफ इंटू टी। एफ क्या है यहाँ पे? एफ है यहाँ पे फोर्स है, और टी क्या है यहाँ पे? टी है यहाँ पे टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम का जो प्रोडक्ट, तो इम्पल्स क्या है? फोर्स और टाइम का कम्बिनेशन है कि आप कितनी फोर्स लगाते हैं, कितने टाइम के लिए लगाते हैं, वो इम्पल्स होता है। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है उसका मास है एम, कोई बॉडी है उसका मास है एम, और आपने एक उसके ऊपर फोर्स लगाई, मान लीजिए फोर्स लगाई आपने उसके ऊपर, कोई एफ है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी V1 से जो वेलोसिटी है V2 हो जाती है, चेंज हो जाती है V1 से V2 में, इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है जब इस बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं। पहले V1 थी और फिर V2 हो गई। तो इसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी आई, जो V1 क्या है यहाँ पे, V1 को आप लिख दीजिए इसकी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ये है इनिशियल, और जो V2 है ये है फाइनल वेलोसिटी जब आपने इस पर फोर्स लगाई, तो ये है फाइनल वेलोसिटी। तो इसके अंदर देखिए जो हमारा फोर्स होता है हम उसको लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं एफ़ इक्वल टू एम इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मास तो एम ही है, ए क्या है, ए को आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, V2 माइनस V1, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी बाय टाइम होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिवाइड बाय आ जाएगा टाइम। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर इसके अंदर आप क्या करें, जो ये टी है इसको इस तरफ ले जाएं, एफ इंटू ये टी इस तरफ आ जाएगा, टी आ जाएगा, इसको दोबारा से रिफॉर्म कर लीजिए, V2 माइनस V1। अब एफ इंटू टी क्या है जो हमने बात की थी, ये इम्पल्स है, तो इम्पल्स यहाँ पे आपको किसके बराबर देखने को मिला, मास इंटू वेलोसिटी के, यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम के, ये चीज़ क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। तो इस तरह से जो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जो फोर्स है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप लेके इसको प्रूव कर सकते हैं कि इम्पल्स भी इसके बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो ये तो होता है इम्पल्स। अगर हम बात करें इम्पल्सिव फोर्स की, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या है? इम्पल्सिव फोर्स होती है अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए। मान लीजिए एक बॉडी है और इसने इससे कुलिजन कर दिया और इसको एकदम से धक्का दे दिया, तो ये स्मॉल टाइम की फोर्स है, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स है, तो इसको हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है ब्लो, आप इसको ब्लो भी बोल सकते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोल सकते हैं या ब्लो, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगना। इसी तरह से अगर आप एक नेल लेते हैं, एक नेल आपने ली और उसके ऊपर आपने जो हैमर है उससे इम्पैक्ट किया, तो हैमर से जब इम्पैक्ट करेंगे तो वो स्मॉल टाइम फोर्स होगी, तो ये जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स होगी। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं इनको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स या फिर ब्लो। तो ये था इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।